हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आया है, ठीक है। यानी कि इंस्टाग्राम में आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल गया है, ठीक है। तो ये आखिर क्या है और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यू आर करंटली अनअवेलेबल टू अर्न, ठीक है, बनी ऑन योर रील। तो कहने का मतलब है सीधे सीधे कि आप रील से पैसा नहीं कमा पाएंगे। अब इसे किस तरीके से ठीक किया जा सकता है और इससे किस तरीके से हम बच सकते हैं, चलिए जान लेते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ से अनटिक्स करता हूँ इसे और इसे बैक करता हूँ, शुरू से मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपना यहाँ पर इंस्टाग्राम ओपन कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में अपनी प्रोफाइल पर सिंपली हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर मिल जाएगा प्रोफेशनल डैशबोर्ड, ठीक है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके जितने भी व्यूज वगैरह होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपकी पेमेंट वगैरह आती है इंस्टाग्राम से तो आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि पेमेंट आउट और इसी के साथ में गिफ्ट की अर्निंग। अगर आपको कोई भी गिफ्ट देता है तो वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपका जो मोनेटाइजेशन इनेबल है तो वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, और ये मोनेटाइजेशन कब आपका ख़त्म हो जाता है ये भी आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से सिंपली बैक करता हूँ। बैक करने के बाद में आप पे आउट, इसमें जाकर अपनी पेमेंट दे सकते हैं कि आखिर आपने कितने पैसे यहाँ पर ट्रांसफ़र कर चुके हैं और आपके पैसे कितने बैंक अकाउंट में पहुँच चुके हैं। इसी के साथ में आप व्यू डिटेल पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आप अपनी हिस्ट्री भी यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में हम बैक करेंगे। बैक करने के बाद में आपको गिफ्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पर मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मोनेटाइजेशन, ठीक है। इसी के साथ में मेरे पास दो स्ट्राइक आई थी, मैंने एक हटा दी है और एक अभी रह गई है, ठीक है। तो किस तरीके से आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट करना है और किस तरीके से आपको करना है देख सकते हैं। मोनेटाइजेशन है वो अभी मेरा इनेबल है, पर वो रील आपको किस तरीके की डालना चाहिए, ठीक है, ये भी आपको मैं इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। इसी के साथ में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, ठीक है। अब आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करते हैं आप, तो आप इसमें बताया गया है इस रील में, अगर आपको लग रहा है कि जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है, यानी कि ये वीडियो पर जो रोक लगाई गई है मुद्रीकरण को लेकर वो गलत है, तो आप यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पर रिक्वेस्ट आपको किस तरीके से करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी को पढ़ लेना है, ठीक है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इसी के साथ में अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है या फिर कोई भी वर्ड समझ में नहीं आता है, इसमें कोई भी हिचकिचाने वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे खुद ही समझ में नहीं आता है बाजी टाइम इंग्लिश में, ठीक है। तो आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि आप पल भर में ट्रांसलेट कर सकते हैं, HI ट्रांसलेट एप्लीकेशन, ठीक है। और उनकी सामग्री से पैसा बनाने के तो आप बहुत ही आराम से किसी भी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दे। उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इनकी पॉलिसी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं इसमें अब आखिर इन्होंने क्या क्या बताया है, जैसे कि कोई डेंजरस है, ठीक है, या फिर सेक्सुअली वीडियो है, या फिर कोई आप धोखाधड़ी वाली वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कोई गलत बात उसमें बता रहे हैं, फिर कोई गलत दृश्य है, ठीक है, आप उसे इस वीडियो में दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, तब आपकी इस तरीके की जो पॉलिसी के खिलाफ, तब जो आपकी वीडियो है वो पॉलिसी के खिलाफ जाती है और आपकी रोक लग जाती है। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं और बहुत ही आराम से इन पॉलिसीज को पढ़ सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। इसी के साथ में अब यहाँ पर हम दूसरी पॉलिसी की भी लगे हाथों तो चलिए बात कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। प्रोफाइल पर सिंपली क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड पर हम सिंपली क्लिक करेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर गिफ्ट पर सिंपली क्लिक करेंगे और हम इस पर सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब ये क्या है, पार्टनर
मोनेटाइजेशन पॉलिसी, इसमें आप पढ़ सकते हैं कि आखिर जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी है वो क्या क्या होती है, ठीक है। यानी कि जो आपका इंस्टाग्राम पेज है वो मोनेटाइजेशन कराने के लिए क्या क्या आपको करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस पर सिंपली क्लिक करके इसमें यही बताया जाता है। इसी के साथ में कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, कंटेंट का मतलब है जो भी आप सामग्री डालना है, जो भी आप वीडियो डालना है वो किस तरह की है, ठीक है। वो किसी भी इनके जो रूल है उनका कोई उल्लंघन तो नहीं कर रही है, जो भी इनकी पॉलिसी है उनके कोई खिलाफ तो वीडियो नहीं बनी हुई है, तो ये आती है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी। तो उस जो कि मैंने एक वीडियो बनाई थी और वो वीडियो क्या थी वो भी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर मिल जाती है कम्युनिटी गाइडलाइंस। कम्युनिटी गाइडलाइंस वो होती है जो कि इनके नियम के खिलाफ आप कोई भी काम करते हैं, ठीक है। वो तो कंटेंट और इनकी जो कि शर्तें थी मोनेटाइजेशन को लेकर वो थी, तो वो चीज आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इस पर सिंपली क्लिक करता हूँ और हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हमारी हैं, सामग्री मुद्रीकरण नीतियों की समीक्षा करें, जो सामग्री के लिए निश्चित प्रारूप, व्यवहार और श्रेणियों की रूपरेखा तैयार करती है। मुद्रीकरण के लिए योग्य होने के लिए आपकी सामग्री को इन नीतियों का पालन करना चाहिए। अब कौन कौन सी नीतियां हैं वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये गलत है, ठीक है, और हमारी वीडियो ठीक है, तो आप यहाँ पर सिंपली रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट मैं सिंपली कर देता हूँ और मेरी यहाँ पर दो थी और इसके बाद मेरी एक हट चुकी है और एक ये रह गई है, ठीक है। तो आप किस तरीके से हटा सकते हैं, तो यहाँ पर जो रिव्यू के लिए ये चला गई है रिक्वेस्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ समय बाद देखेंगे, उसके बाद में बैक करेंगे और यहाँ से है वो रिक्वेस्ट यहाँ पर चले जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे, ठीक है, देख सकते हैं। उसके बाद में बैक करेंगे और हम बैक करेंगे। अब आपको अपनी प्रोफाइल पर जाना है, जो देखना है कि आखिर आपने कौन सी वीडियो यहाँ पर अपलोड की थी, ठीक है। तो वो वीडियो आप क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर ये वीडियो यहाँ पर अपलोड की थी और ये जानते हैं कि बन बिनो एप्लीकेशन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर उसी से ही रिलेटेड वीडियो बनाई थी, तो यहाँ पर इन्होंने उसी चीज़ के पीछे यहाँ पर ये मुझे स्ट्राइक दी है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कोई भी ना तो ऐसी एप्लीकेशन, ना तो गेमिंग एप्लीकेशन, ना तो हम कर सकते हैं प्रमोट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो कुछ इस तरीके की वीडियो थी, ठीक है। दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम से पैसे कमाना चाहते हैं तो मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूँगा कि आप रियल वीडियो डालें, किसी की भी फेक वीडियो न डालें और आप सही तरीके से काम करें, ठीक है। जैसे ही आपके 600-700 या फिर 800-900 फॉलोवर्स हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि अगर आपके यूट्यूब पर 1,000 सब्सक्राइबर्स और 4,000 घंटे नहीं होते हैं तब भी आप यहाँ पर पैसे कमा सकते हैं, यानी कि स्पॉन्सरशिप के थ्रू। इसी के साथ में आपको हाफ मोनेटाइजर हो जाता है गिफ्ट के थ्रू। तो इसी तरीके से आपको ये इंस्टाग्राम में भी ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं इंस्टाग्राम से। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियोस को लाइक करें, चैनल पर रहे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके बारे में फिर भी किसी प्रकार का कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।